लक्ष्मी विलास, महाप्रसाद नाम कितना प्यारा है ना। विश्वास नहीं मानेंगे, भोग उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है, लेकिन महाप्रसाद बनाना किसी की बस की बात नहीं है। ये तो सिर्फ पूरी श्री मंदिर में ही मतलब बन सकता है। जय जगन्नाथ, आप सबका स्वागत है मेरी चैनल छिली स्पाइस वॉक्स में। दोस्तों, आज चलिए बनाते हैं लक्ष्मी विलास। माता लक्ष्मी को लगने वाली भोग में से एक है, जिसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा लीटर दूध पहले गर्म करने को रख दिया है। इसको कॉन्टिन्यूस चलाते हुए इसका हम खोआ बनाएंगे। एक टिप्स देना चाहूँगी, अगर आपके पास नॉनस्टिक कढ़ाई है तो आप इसमें खोआ बनाइए, जिससे क्या होगा, आपका जो दूध है चिपकेगा नहीं, और जो साइड में जो सूख जाता है मलाई वो भी नहीं सूखेगा, और आपका खोआ में बिल्कुल वेस्टेज नहीं होगा, बहुत ही बढ़िया मावा बन के तैयार होगा। तो दोस्तों, करीबन 20 मिनट चलाने के बाद देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। कंटिन्यूस चलाते हुए हम इसका खोआ बनाएंगे। टोटल आधा घंटे का टाइम लगा और खोआ बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, ऐसे दानेदार खोआ ही हमें बनाना है। अभी गैस बंद कर देंगे और इसको ऐसे कढ़ाई में हम ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। एक मसाला तैयार करेंगे, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची। बड़ी इलायची का छिलका निकाल के सीड्स लेंगे और एक पाउडर बना लेंगे। पाउडर तैयार कर लिया है मैंने पहले से। एक बर्तन लेंगे जिसमें हम 1.5 कप आटा, गेहूँ का आटा 1 कप, और अभी आधा कप डालेंगे। आधा कप डाल के इसमें आधा कप हम ताज़ा कसा हुआ नारियल डालेंगे। 3/4 कप गुड़ डालेंगे, जो मसाला पाउडर बनाए थे उसको भी डाल देंगे। और अब जो खोआ बनाए थे उस खोआ से 1 चम्मच खोआ बचा के हम सारा खोआ भी डाल देंगे। और अभी सारे सामग्रियों को हाथ से अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे, ताकि गुड़ में अगर गुठली होगी वो भी मिक्स हो जाएगा और खोआ भी अच्छे से आटे के साथ मिक्स हो जाएगा। बैटर बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 कप दूध ली हूँ। ये बैटर हमारी रोटी की जो आटा है उसकी तरह नहीं होता, लेकिन जैसे गुलगुला जैसे हम बनाते हैं ना, हल्का मतलब स्टिकी आटा, वैसे ही बनेगा। तो दोस्तों, पूरा 1 कप दूध डाल के इसका एक सॉफ्ट सा हम डो बना लेंगे। और एक बात, मैं यहाँ पे पाउडर गुड़ यूज की हूँ। आपके पास अगर साबुत गुड़ है तो आप इसको ग्रेट करके भी ले सकते हैं। और 3/4 कप मैंने लिया है, आप चाहें तो 1 कप भी ले सकते हैं। ये जो छोटे छोटे गुड़ के दाने बचे हैं उसको हाथ से ऐसे मसल लीजिए। अभी तो मैंने लगा लिया है, 15 से 20 मिनट इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। ये देखिए, मैंने 15 से 20 मिनट अभी रेस्ट के लिए रख दिया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 पिंच खाने वाला कपूर। तो दोस्तों, ये जो 1 पिंच कपूर है इसको हम पहले ऐसे हाथ से चूरा बना लेंगे। मैं यहाँ पे फिर से आपको बोलना चाहूँगी, जो खाने वाला कपूर और आलती का कपूर डिफरेंट होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। डालने के बाद एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी चलते हैं, डो तैयार है, अब चलते हैं तलने के लिए। तो पहले घी गर्म कर लेते हैं। मैं आप लोगों को भोग की रेसिपी दिखा रही हूँ, उसीलिए घी में डीप फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। छोटे छोटे ऐसे गोला लेकर उसको हम डालते जाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो घी हो या तेल हो, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा गर्म हो गया तो गैस को बंद करके 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब हल्का ठंडा हो जाए तब गैस ऑन करके लो फ्लेम पे ऐसे डालिए। ये जो लक्ष्मी विलास है, ये एक बैच बनने के लिए 4 से 5 मिनट का टाइम लेता है। फ्लेम अगर हाई करेंगे ऊपर से जल्दी ब्राउन हो जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा, उसीलिए फ्लेम को ज़्यादा मतलब हाई नहीं करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसको तलना है। देखा कितना प्यारा कलर हो गया है। अभी हम सारा निकाल लेंगे। ये जो लक्ष्मी विलास है, ये स्पेशल मार्गशीर के महीने में हर थर्सडी को माता रानी को, लक्ष्मी माता को भोग लगता है मंदिर में, और हेरा पंचमी वाले दिन, हेरा पंचमी रथ यात्रा के 5वें दिन को हेरा पंचमी बोलते हैं, उस दिन भी माता रानी को ये भोग लगता है। महाप्रभु उनको छोड़ के गुंडीचा मंदिर चले जाते हैं,
उसी गुस्से में वो जाके महाप्रभु को ढूंढते ढूंढते जाते हैं, और उनको गुंडीचा मंदिर के सामने उनका रथ देख के उनका रथ को गुस्से में तोड़ के आ जाते हैं। कितनी फनी स्टोरी है ना दोस्तों। लेकिन अब क्या करें, माता को झूठ बोल के गए थे तो उसका तो भरपाई करना पड़ेगा ना, टूटे रथ में तो आना पड़ेगा। उनको शांत करने के लिए पंडित लोग ये भोग लगाते हैं उनके पास। आप लोगों को कहानी बताते बताते सारा हमारा जो लक्ष्मी विलास बन के तैयार हो गया है। इसके ऊपर जो एक चम्मच हमने खोआ रखा था उसको डालेंगे, ये ऐसे ही भोग लगता है, या फिर नारियल स्प्रिंकल करके भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों ये लक्ष्मी विलास बन गया है, आप लोग बनाइए। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। आशा करती हूँ नई भोग के साथ फिर जल्दी मिलूंगी। जय जगन्नाथ।